आई फील वेरी गुड एंड आई एम सो प्राउड कि ये है मोहब्बतें, दो साल के बाद जो ऑडियंसिस का फेवरेट शो था, अभी जेन्यूनली सभी ऑडियंसिस का अक्रॉस इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड इट्स द नंबर वन शो फॉर एवरीबडी एंड आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम पार्ट ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव शो. और मैं खासकर ये कहना चाहूँगा कि लीप के बाद हमारा शो इतना इंटरेस्टिंग हो गया कि मैं खुद आजकल वायचर मिस नहीं करता. यार मुझे पता नहीं मेरा नॉमिनेशन है कि नहीं, अगर मैं नॉमिनेट हो सकता हूँ, मुझे किसने बोला है, बिकॉज आई डोंट नो, बट आई नो दैट करण एंड दिव्यांका विल विन. एंड एट द एंड ऑफ द डे ये है मोहब्बतें हैज़ टू टेक द अवार्ड नॉट ओनली फॉर द बेस्ट शो इन द कंट्री बट ऑल्सो फॉर द बेस्ट ऑनसम्बल कास्ट बिकॉज इट इज़ द मोस्ट डेडिकेटेड कास्ट ऑफ एक्टर्स. एंड वन पॉइंट ऑफ नोट, जो नए एक्टर्स हमारे शो में आए हैं लीप के बाद, आई थिंक दे आर फिनोमिनल. इट इज़ सो गुड दैट कि इस शो ने लीप के बाद भी अच्छे एक्टर्स कायम रखे. तो आई थिंक ये जो शो है, जो एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव डेली सोप है इंडिया में, आई थिंक बाकी शो से ज़्यादा मॉडर्न है. आई एम जस्ट हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एकता कपूर एंड संदीप सिकंद एंड स्टार प्लस एंड आई थिंक वी शुड विन ऑल द अवार्ड्स. अच्छा, इसके बारे में मैं लंबी चौड़ी कहानी बताता हूँ. मैं एक फिल्म कर रहा था बहुत बड़ी, एक बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ, जिसमें मेरी 3-4 मूछें थी, क्योंकि मैं एक अंडरकवर एजेंट हूँ. मैं आपके लिए स्पेशली इस चैनल के लिए बोल देता हूँ कि मैं राम गोपाल वर्मा की वीरप्पन कर रहा था, जिसके लिए मेरा 25 दिन का आउटडोर था. जब लीप आया तो सबके लिए अलग लुक्स आए जो बहुत वर्क हुए. जब मेरा टाइम हुआ, संदीप सिकंद ने बोला कि मूछें ट्राई करो. मैं सच बता रहा हूँ, जब वो मूछें लगी मुझे, मुझे लग रहा था कि लीप में शायद मैं खुश नहीं हूँगा. लेकिन आज की डेट में मैं जब रोज़ आजकल YHM के लिए शूट करने जाता हूँ, जब वो मूछें लगती हैं, मेरे दिमाग में मैं 1970s का एल पचिनो हूँ स्कारफेस में. वो अलग बात है कि मैं हिंदी में डायलॉग बोल रहा हूँ और बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर हूँ, बट आई लव द लीप प्राइमरली फॉर द एक्टर्स. एंड मैं जनरली एज अ टीवी व्यूअर डेली सोप्स नहीं देखता, लेकिन जब से लीप हुआ है मैंने 3 हफ्ते से एक एपिसोड YHM का मिस नहीं किया. I watch it because it's become so interesting and hats off to Ekta Kapoor and Sandeep Sikant and Star Plus for genuinely keeping YHM as the most progressive, modern, interesting daily soap across all channels. Aap mujhe ek cheez bataiye, which is a daily soap better than YHM? Honestly. Dekho, ek time tha ki shayad we were fighting with, before the leap, we were fighting with different channels, but because of the Bhoot Preet and all that. But at this point of time, that story is so original, so interesting, and I genuinely feel I'm somebody who watches Mad Men, Game of Thrones, all these shows. But YHM, I think, is a phenomenal Indian show. Main Karnataka mein jab film ke liye shoot kar raha tha, wahan pe sabne pehchana. Vishakhapatnam gaya, wahan pe sabne pehchana. How is it that the South is so connected to a North Indian daily soap? It's amazing and it's a phenomenal show, and I think after the leap it's become far better. Mamu, mere mamu. Hi. You know what, one second, I have never met this girl, and I must say one thing, this is what I was saying before this, this boy is the energy in the show. This girl who I've just met for the first time, this is a khulasa. मैंने अभी तक इसके साथ शूट नहीं किया. She is so beautiful and that third girl who's playing the grown up Ruhi, वो इतनी अच्छी एक्टर है. All three of them. You can't believe that they are such good actors, and the reason why YHM has always succeeded, keeping aside the creative, the production, is because of its team of actors and the young kids. Come here, girl. Beautiful girl. Thank you so much. Okay, I'm with my young cast. Okay, now you say. See, मैंने अभी तक करण के साथ शूट किया है, आदि के साथ शूट नहीं किया है, इनके साथ भी शूट नहीं किया है, so
हम पहली बार मिल रहे हैं बेसिकली. आई होप आई डोंट हैव अ लव इंटरेस्ट इन द शो एंड आई नो आई हैव गॉन अप बाय 7 इयर्स बट आई वुड लव टू बी पेयर्ड विद आलिया बिकॉज फाइनली मामू ये मेरी है अभी शायद. इट्स ओके यू कैन कम. But she's such a good actor. Do not go only by the beauty of an actor. She's a good-looking girl, but she's so good. Thank you so much. All three of these kids. Thank you. One, two, and Rohanika, I don't know the new. Such good actors. And that is what keeps YHM. I'm grateful to the creatives and Ekta that they picked up not only good faces, but they picked up good actors. So dedicated. This boy. I've been working with him so I'm looking forward to working with this beautiful girl. We will soon. Are you guys leaving? No, no. No, 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 no. And I'm supposed to love both these kids. I'm waiting to work with Alia and Rohanika. This boy I've been working with, such a good boy. Such a good boy. And I think ye aur iska baap abhi hum log kafi scenes kar rahe the. Sabko thappad pade hain YHM mein. Thappad bahut. He itni jaldi inauguration ho gaya Raman se thappad padne ka. Itni jaldi. By the way, are you both getting together? Show में? ये audiences के मुझे पता है। Oh! मैं show की ही बात कर रहा हूँ। खुलासा। Bang, bang! अरे zoom in करो, bullet मारो। Yeah, show में। Show की ही बात कर रहे हैं, अभी वो कुछ पक्का नहीं हुआ। Yeah? Yeah, perfect. आलिया, ठीक है? You don't have any time, so show. Okay. हाँ मेरे इन्हीं के साथ सीन हुए हैं, मेरे मामू के साथ ही मेरे सीन हुए हैं. और जिस मामू मुझे बोलने दो. अरे मामू मुझे बोलने दो, बोलने दो आज, आज बोलने दो. थप्पड़ खाने के बाद भी मामू ने कहा, मतलब मेरा पूरा सपोर्ट किया है मेरे मामू ने हर जगह. और पापा से जो मेरे को थप्पड़ पड़े हैं गाल पे जोर जोर से, पर वो चीज़ मेरी परफॉर्मेंस बाहर लेकर आई है. मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया इन लोगों के साथ काम करके. एंड दे आर लवली, दे आर सुपर. थैंक यू सो मच. Yeah. So, new cast of YHM, do not forget, this show not only is the number one show in the country, not only is it the most successful show, it's the most path-breaking show for the last 2.5 years. And these two kids and Rohanika, who's missing, are going to carry forward the legacy of Yeh Hai Mohabbatein. Thank you so much. Thank you Ekta Kapoor. Woo! Thank you Sandeep Sikand. Thank you Star Plus. And thank you audiences and all the fans for keeping that love alive for all of us. Thank you so much. Yeah, sure. All right. ये मैंने ज़्यादा तो नहीं बोल दिया.